69 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा के केस में अब शजान खान बुरी तरह से फंस चुके हैं। सिर्फ शजान खान ही नहीं बल्कि अब शजान खान का परिवार भी इस केस में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अगर देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि शजान खान की जमानत याचिका को वसई कोर्ट से रद्द कर दिया गया। 13 जनवरी को शजान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा की ओर से यह दावा किया गया कि कोर्ट का जो फैसला है वो उनके आधार से सही है, लेकिन शजान का परिवार और उनके वकील इस फैसले से सहमत नहीं है। जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि 17 जनवरी को उनके वकील हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे। 17 जनवरी बीत चुकी है, 18 बीत चुके और आज 19 जनवरी है, लेकिन अभी तक शजान की जमानत याचिका को लेकर वकील की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है कि हाई कोर्ट में कब वो जमानत याचिका को दाखिल करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर शजान खान की माँ और उनकी बहन को लेकर लगातार ये मांग की जा रही है तुनिशा के परिवार की ओर से कि अब उनकी भी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ भी जांच की जाए। जिस तरह से कई गंभीर आरोप बिना किसी सबूत के तुनिशा का परिवार या तुनिशा के वकील शजान के परिवार पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सबूत मिलने से पहले ही शजान के परिवार को पूरी तरह से इस केस में आरोपी घोषित कर दिया गया है। लेकिन बिना किसी सबूत के आखिरकार क्यों तुनिशा का परिवार इतने ज्यादा कह सकते हैं गंभीर आरोप लगा रहा है, काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। और अब यहां पर मांग की जा रही है शजान खान के नार्को टेस्ट की। आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता मिश्रा। अंकिता आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अंकिता। तुनिशा शर्मा के केस में साफ तौर पर एक जो चीज हमें देखने को मिल रही है कि आरोप दोनों परिवारों की ओर से लगाए जा रहे हैं। आरोपों को सच साबित करने के लिए परिवार के पास सबूत नहीं है। खास तौर पर अगर बात करें तो तुनिशा के परिवार के पास तो वाकई में सबूतों की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन फिर भी ऐसे गंभीर आरोप, शजान की मां की गिरफ्तारी की बात, उनकी बहन की गिरफ्तारी की बात, क्या लगता है कि बिना किसी सबूत के इतने गंभीर आरोप लगाना सही है? जी बिल्कुल, बिना किसी सबूत के गंभीर आरोप लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। मगर यहाँ पर देखिए कि तुनिशा का परिवार, तुनिशा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब माँ की जो मानसिक स्थिति थी, जो उस वक्त का जो उनका रिएक्शन होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि इसी तरीके का रिएक्शन होगा, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि इतनी हंसती खिलखिलाती लड़की और अचानक से इतना बड़ा कदम उठा लेगी। तो इतना तो तय था कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर सवाल तो उठेंगे, क्योंकि आप देखिए सुशांत सिंह का मामला, मैं आपको उठना याद दिलाऊं कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई भी ये भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि वो इस कदम को उठाएंगे। इतने कामयाबी को छूने वाले, इतने उभरता हुआ कलाकार इस तरीके का कदम कैसे उठा सकता है, उस केस में भी किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा था। और आरोपी कौन बना? रिया चक्रवर्ती। हालांकि पूरे केस में रिया चक्रवर्ती पर जब जांच हुई तो ये जांच एक और एंगल इस जांच ने लिया, जिस एनसीबी भी इस केस में आई। अब यहाँ पर तुनिशा केस को अगर मैं इस पूरे केस से जोड़ू सुशांत सिंह के राजपूत के केस से, तो यहाँ पर भी इतनी तो इतना तय था कि किसी ना किसी पर आरोप जरूर लगेगा। और शजान खान पर आरोप लगाना इसलिए लाजमी था क्योंकि शजान खान उस पूरे दौर में तुनिशा के सबसे ज्यादा क्लोज रहे थे। तो शायद एक यही वजह है कि तुनिशा का परिवार लगातार शजान खान पर ही आरोप लगा रहा है या फिर उनकी फैमिली पर आरोप लगा रहा है, क्योंकि जितने भी अभी रिपोर्ट सामने आई है इसमें तुनिशा का परिवार यही दावा कर रहा है कि शजान खान की फैमिली तुनिशा को उनसे दूर लेके जाना चाहती थी। और ये हमने जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए, उसमें भी ये जाना कि तुनिशा का आना जाना लगा रहता था। इतना ही नहीं, तुनिशा घूमने भी जाती थी शजान खान की फैमिली के साथ, तो कहीं ना कहीं शजान खान की फैमिली के साथ तुनिशा ज्यादा क्लोज थी। तो ये भी एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो शजान से, शजान की फैमिली से की होगी तुनिशा ने, हालांकि वो अभी सामने नहीं आया। तो शायद इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए तुनिशा की मां ने आरोप जो है वो शजान खान पर मढ़ दिया और उसके साथ अब ये पूरी फैमिली भी फंस रही है। बिल्कुल साफ तौर पर बस यही वजह है कि तुनिशा सबसे ज्यादा वक्त यहाँ पर शजान खान और उनके परिवार के साथ बिताया करती थी, और यही वजह है कि अब इस केस में शजान खान के साथ साथ उनका परिवार भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है।
अच्छा लगातार यहाँ पर हम जितने भी कह सकते प्रोग्राम करते हैं, लाइव सेशन करते हैं, पैकेजेस करते हैं, उनमें कमेंट्स में एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सवाल ये है कि आखिरकार तुनिशा के आखिरी 45 मिनट की हकीकत क्या है, क्योंकि यहाँ पर शजान खान की अगर बात करें, उनके स्टेटमेंट को अगर समझे सुने तो उनका स्टेटमेंट ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि तुनिशा ने अपने आखिरी वक्त में अपनी माँ से, अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम अली बताया जा रहा था, उससे बात की थी। तुनिशा की माँ का कहना है कि शजान खान के साथ वो थी, शजान खान के साथ ही उन्होंने अपने आखिरी वक्त बिताया। जो पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसे कोर्ट में सरकारी वकील की तरफ से पेश भी किया गया, उसके आधार पर शजान खान तुनिशा के निधन से 15 मिनट पहले ही उस मेकअप रूम से बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं जो 15 मिनट की गुत्थी है वो अभी भी सुलझ नहीं पाई है, और यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि इस केस में शजान खान का नार्को टेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस केस में जो असली सच्चाई है वो बता नहीं रहे, उसे छुपा रहे हैं। अब आखिरकार वो सच्चाई क्या है, क्यों उसे छुपाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? तो सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या लगता है कि ये जो 45 मिनट की गुत्थी है, क्या ये नार्को टेस्ट के बाद सुलझ पाएगी? जी देखिए, इस पूरे केस में अभी मुझे ये लगता है कि नार्को टेस्ट की बात करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि जितने भी हमने केसेस देखे हैं उसमें नार्को टेस्ट तभी होता है जब आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिले, मगर यहाँ पर शजान खान के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत मिले। लेकिन यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज मिला है अंकिता, उसे भी तो आप नकार नहीं सकते, क्योंकि शजान खान ने पुलिस पूछताछ में जब हिरासत में लिया गया था शजान को 25 दिसंबर को, उन्होंने तभी ये कहा था कि जब तुनिशा के साथ उन्होंने लंच किया, लंच करने के तुरंत बाद वो निकल गए, उसके बाद वो तुनिशा के आसपास थे ही नहीं, वो शूट में बिजी थे। और अब जो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश किया गया उसके मुताबिक तुनिशा के निधन से 15 मिनट पहले ही वो उस मेकअप रूम से बाहर निकले, तो कहीं ना कहीं इसे एक एविडेंस के तौर पर तो माना जा सकता है ना? जी बिल्कुल, एविडेंस के तौर पर तो इसे पुलिस मान रही है, मगर इस पूरे जितने भी अभी खुलासे हुए या फिर जितने भी सबूत मिले हैं, इसमें अभी भी शजान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अगर मैं बात करूं कि शजान खान के पक्ष से अगर इस सीसीटीवी फुटेज पर बातचीत की जाती है कोर्ट में, तो शजान खान के पक्ष से तो वकील यही कह देंगे कि 15 मिनट पहले तो शजान खान बाहर आ गए थे, मगर उसके बीच में क्या हुआ, क्या अली का जिक्र दोबारा से आ सकता है इस पूरे मामले में, कि क्या अली के बीच में तो कुछ ऐसा तुनिशा शर्मा के साथ नहीं हुआ था जिसके बाद इतना बड़ा कदम उठा लिया? तो अभी कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर बिना ठोस सबूतों के अगर नार्को टेस्ट किया जाए तो ये थोड़ी जल्दबाजी है। नार्को टेस्ट इतनी जल्दी पुलिस नहीं करती है जांच पड़ताल में जब तक आरोपी के खिलाफ कोई भी कोई ठोस सबूत ना हो तब तक, और नार्को टेस्ट की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं होती, कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है, कोर्ट इजाजत देगा तो कोर्ट कुछ सवाल भी पूछेगा, पूछेगा कि आपको अगर नार्को टेस्ट करवाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या जांच पड़ताल आपकी ठीक तरीके से नहीं चल रही, पूछताछ में क्या आप उगलवा नहीं पा रहे हैं सच, तो ये सब सवाल भी अदालत पूछ सकती है, इसलिए अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी नार्को टेस्ट के बारे में कुछ भी कहने को। बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी भी शजान खान के नार्को टेस्ट को लेकर जो लगातार मांग तुनिशा के परिवार की ओर से की जा रही है, कहीं ना कहीं अभी उसमें वक्त है, क्योंकि शजान के खिलाफ वाकई में इस केस में अभी तक कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिल पाया जिसके बाद ये कहा जा सके कि तुनिशा ने शजान खान की वजह से ही अपनी जान ली है। सिर्फ 15 मिनट पहले उस मेकअप रूम से निकलना इस बात को प्रूव नहीं करता कि तुनिशा के निधन के लिए शजान खान की जिम्मेदार हो सकते हैं, वजह यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे यहाँ पर हकीकत जो भी हो, इस वक्त इस केस में बुरी तरह से शजान खान और उनके परिवार फंस चुका है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।